प्रिय दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जिस स्नेह प्यार के साथ आप लोग मेरे प्रोग्राम वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, फरमाइश कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, आप लोग इसी तरीके से मेरे प्रोग्राम को देखिए, सब्सक्राइब करिए। मैं भी पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आपको कुंडली तथा कुंडली के प्रत्येक ग्रहों, राशि, भाव, लग्न के बारे में ज्ञान प्राप्त करें। आपके सहयोग के लिए मेरे प्रत्येक वीडियो मेरा मोबाइल नंबर है, डिस्क्रिप्शन में भी है, फिर भी मैं बोल देता हूँ, मेरा मोबाइल नंबर 9425308111 है। आज मैं आप लोग के सामने एक नया वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ कि अगर बुध शुक्र की युक्ति कुंडली में है तो किस राशि वालों के लिए क्या प्रभाव देता है। मैं मेष राशि से लेके मीन राशि तक के बारे में बताने जा रहा हूँ। जिसके कुंडली में मेष राशि में बुध शुक्र की युक्ति है, ऐसे लोग चरित्र तो इनके अच्छे नहीं रहते हैं, सोच अच्छे नहीं रहते हैं, इच्छा अनुसार प्रोग्रेस नहीं कर पाते। जिसके कुंडली में वृषभ राशि में बुध शुक्र की युक्ति हो, ऐसे लोग धन जन से संपन्न रहते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं, अपने नाम से पहचाने जाते हैं। जिसके कुंडली में मिथुन राशि में बुध शुक्र की युक्ति हो, ऐसे लोग समाज में अपनी पहचान स्वयं बनाते हैं, माता पिता के सहयोगी होते हैं, माता पिता का साथ देते हैं और इनके जीवन में जो भी इज्जत प्रतिष्ठा रहती है स्वयं की बनाई हुई है। जिसके कुंडली में कर्क राशि में बुध शुक्र की युक्ति हो, ऐसे लोग वैज्ञानिक होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर बनते हैं तथा उदार भावुक होते हैं। जिसके कुंडली में सिंह राशि में बुध शुक्र की युक्ति हो, ऐसे लोग अच्छा ज्ञान प्राप्त करते हैं, ऐसे लोग केमिकल संबंधी विज्ञान संबंधी शिक्षा प्राप्त करते हैं, ऐसे लोग विदेश संबंधी शिक्षा प्राप्त करते हैं और अपने विद्या के द्वारा अपना कैरियर फैलाते हैं। जिसके कुंडली में कन्या राशि में बुध शुक्र की युक्ति हो, दोस्तों ऐसे लोग के चरित्र गिर जाते हैं, ऐसे लोग जीवन में अच्छी उन्नति नहीं करते, इनका जीवन संघर्ष में रहता है, इनके सोच भी गंदे हो जाते हैं। जिसके कुंडली में तुला राशि में बुध शुक्र की युक्ति हो, क्या बात है, ऐसे लोग लव मैरिज करते हैं, ऐसे लोग का दाम्पत्य जीवन अच्छा रहता है, ऐसे लोग का पारिवारिक जीवन अच्छा रहता है, ऐसे लोग समाज में सम्मानजनक उन्नति करते हैं। जिसकी कुंडली में वृश्चिक राशि में बुध शुक्र की युक्ति हो, ऐसे लोग सर्दी खांसी से परेशान रहते हैं, कब्ज की बीमारी से परेशान रहते हैं, ऐसे लोगों के आँख संबंधी रोग होते हैं और स्वास्थ्य के कारण ये जीवन में कभी अच्छी उन्नति नहीं कर पाते। जिसके कुंडली में धनु राशि में बुध शुक्र की युक्ति हो, ऐसे लोग नेता बनते हैं, अभिनेता बनते हैं, परंतु अपने कैरियर में पूर्ण सफल नहीं होते हैं और सम्मानजनक प्रतिष्ठा पाते हैं। जिसके कुंडली में मकर राशि में बुध शुक्र की युक्ति हो, ऐसे लोग उद्योगपति होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, ऐसे लोग लोहा मशीन केमिकल धातु संबंधी व्यापार करते हैं और करोड़ों रुपए के आसामी होते हैं। जिसके कुंडली में कुंभ राशि का बुध शुक्र की युक्ति हो, ऐसे लोग विदेश जाते हैं, ऐसे लोग दयालु होते हैं, उदार होते हैं, दानी होते हैं, भावुक होते हैं, ऐसे लोग जीवन में दूर दूर तक भ्रमण करते हैं और कई जमीन जायदाद के मालिक होते हैं। जिसके कुंडली में
मीन राशि का बुध शुक्र की युक्ति हो, ऐसे लोग मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, ऐसे लोग आर्थिक रूप से परेशान रहते हैं, ऐसे लोगों के कमाए हुए धन बर्बाद हो जाते हैं और जीवन में हमेशा संघर्ष करते हैं। ये छोटा सा वीडियो बुध शुक्र की युक्ति किन किन राशियों में क्या प्रभाव देता है आपके सामने प्रस्तुत किया, इसको सुनिए। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मुझे संपर्क करिएगा। इतना कर वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार।